आप देख रहे हैं लाइट हाउस टीवी में आशीर्वाद द्वारा आपके साथ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंडी में जो दूसरी ट्रेप होती है वो शोभा यात्रा राज माधव राय की यहाँ पर निकाली गई है। और अभी आप देख रहे हैं श्री देव कश्यपी देत परखोल बाली चौकी का आप यहाँ पर एक पौराणिक यहाँ पर डांस देख रहे नृत्य देख रहे हैं। राज बॉली चौकी का यहाँ पौराणिक यहाँ पर जो डांस उस नृत्य का आप यहाँ इस जनेम शोभा यात्रा में आनंद लेते हुए। प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक मंच के कलाकारों द्वारा यह प्रस्तुति शोभा यात्रा में दी जा रही है। देख सकते हैं चंपा का यहाँ पर नृत्य, चंपा की संस्कृति को यहाँ पर झलकाते हुए शोभा यात्रा में। अब पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पर शोभा यात्रा कुंजुम और तूफान जो घोड़े पुलिस के हैं वह इस शोभा यात्रा में भाग लेते हुए। होमगार्ड की यहाँ पर टुकड़ी इस शोभा यात्रा में भाग लेती हुई। रेड क्रॉस के कर्मचारी भी शोभा यात्रा में भागीदारी देते हुए। आपको बता दें कि श्री चांदी जो आप सामने तक स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर राजा जो पौराणिक परंपरा के अनुसार यहाँ पर बैठते थे और इसी तरह ही भव्य जलेब का उस समय आयोजन किया जाता था और उसी तरह वर्तमान में भी इस शोभा यात्रा का आयोजन जिला प्रशासन कमेटी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। यहीं पर राजा बैठते थे और इस शोभा यात्रा में देखते थे और जो राज माधव राय की यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकलती है वो वाकई अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि में एक आकर्षक यहाँ पर लोगों को काफी लुभावना यहाँ पर बनाती है।
बता दें आज इस मध्य जिले में हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर यहां पर इनकी अगुवाई में आज यह शोभा यात्रा निकाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मौसम की यहाँ पर दूसरी जलेब का सीधा प्रसारण आप लाइव डांस टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं शेरी मंच पर और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर भव्य जलेब का आयोजन जिला प्रशासन मंदिर कमेटी द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शोभा यात्रा में यहाँ पर शिरकत करते हुए श्री देव छांजड़ो Thank you.
परंपरा के कारज में यह दूसरी शोभा यात्रा, और आप देख सकते हैं कि देव कारज में यहाँ पर देवता इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो देवरू है कितना आनंद यहाँ पर मानते हुए इस शोभा यात्रा को अधिक आकर्षित बनाते हुए। महर्षि पार मार्ग कंडे यहाँ पर श्री देव को Thank you.
आज के यहाँ पर देवता सिर्फ मकुर जय मकुर महादेव देव श्री बागला नारायण और जय नाग चंपला। जोहार घाटी के देवता श्री देव परिक्रमा श्री देव पाशा कोट उरुंग नारायण पाशा कोट को पहाड़ी वजीर के नाम से भी इस देवता को जाना जाता है और काफी यहाँ पर देवता ये शोभा यात्रा में भाग लेते हुए Thank you.
नवरात्रि मौसम में जो शोभा यात्रा निकाल जाती है वो राज माधव राय जो मेन उनका रहस्य है, वही जोगपाल की इस शोभा यात्रा में जिनका मेन रोल रहता है वो राज माधव राय। तो वो अभी इस शोभा यात्रा में आप देख सकते हैं कि राज माधव राय यहाँ पर शिरकत करते हुए मौसम की यह दूसरी जलेब थी शोभा यात्रा। और इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर शिरकत करते हुए और इस शोभा यात्रा की यहां पर शोभा बढ़ाते हुए बता दें इनके साथ यहां पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोहर ठाकुर, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक साथ ही बता दें करसोग के विधायक हीरा लाठा भी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही जोगिंद्रनगर विधानसभा के विधायक प्रकाश राणा भी यहां पर और जिला परिषद यहां पर पाल वर्मा भी यहां पर अध्यक्ष शिरकत करते हुए। देखते रहे लाइव टीवी में मंडी से अश्विनी भारद्वाज, धन्यवाद।